राजीव जी नमस्कार, मैं अभिषेक चंद्रा बात कर रहा हूँ लाइव सिटी न्यूज से। जी नमस्कार सर। ये जो मामला ब्रजेश ठाकुर का आया है, ये इसमें क्या सच्चाई है? आपके पिताजी ब्रजेश ठाकुर को किस हद तक जानते हैं और मुजफ्फरपुर के आपके जो उनके होटल में आपके आने जाने का जो रिकॉर्ड है वो प्राप्त हुआ है, इस बारे में क्या सच्चाई है? देखिए सर, इसमें सच्चाई कहीं से कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जो तस्वीर वायरल हो रहा है, एक न्यूज पोर्टल के द्वारा वायरल किया गया मेरे तस्वीर को, वो हम जमशेदपुर गए थे एक अपने मित्र के शादी में पिछले साल। ठीक है। उस वो होटल दर्पण है जमशेदपुर में, बिष्टुपुर में, राम मंदिर के सामने, उसी होटल का वो तस्वीर है। और जहां तक मुजफ्फरपुर का मामला है, हमको नहीं लगता है, हम कभी मुजफ्फरपुर गए भी हैं। नहीं तो अगर आप मुजफ्फरपुर कभी नहीं गए हैं तो जो आरएम पैलेस होटल है वहां के रजिस्टर में आपके नाम की एंट्री कैसे आ रही है? कहाँ मेरे नाम की एंट्री है, आप जरा दिखा दीजिए। अगर मेरे नाम की एंट्री होगी तो हम सब तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगा वो हम तैयार हैं मेरे ऊपर करने के लिए। कहीं कोई कौन बोलता है रजिस्टर में एंट्री? आरएन होटल आप अभी बोले हैं, तब अभी हम उस होटल का नाम सुने, वो फोटो के आधार पे ही ना मुझे बोला जा रहा है कि आप वो ब्रजेश ठाकुर के होटल में है। आप जाके पता कर सकते हैं। बिष्टुपुर में तो हम होटल का भी नाम बता रहे हैं, मेरे फ्रेंड का शादी था बिष्टुपुर, जमशेदपुर हो गया, हम मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर हम 2001 में एक अपने गांव के बारात में गए थे, उसके बाद हम कभी गए ही नहीं मुजफ्फरपुर। तो नहीं मतलब आप क्योंकि आप अपने पिताजी से काफी करीब हैं, हमें बता पाएंगे कि दामोदर राव साहब जो हैं वो ब्रजेश ठाकुर जी को कितना जानते थे, ब्रजेश ठाकुर को? मेरे नजर में ब्रजेश ठाकुर से हम लोग का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हम आज तक अपने आवास से भी ब्रजेश ठाकुर को नहीं देखे। जब आवास से नहीं देखे तो और कहाँ देख सकते हैं? नहीं लेकिन एक आरोप लग रहा है कि आपके पिताजी जब बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री थे तभी ब्रजेश ठाकुर को बड़े पैमाने पे मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो पैसे राशि होती है, ये सब रिलीज किया गया है, क्या सच्चाई है ब्रजेश है मतलब? हमको नहीं लगता है। पापा समाज कल्याण मंत्री थे, कहाँ फंड अलॉट हुआ नहीं हुआ वो तो वही बता सकते ना, हम तो इन सब मामलों में नहीं रहते थे, उसमें तो काफी छोटे भी थे। ये 2000 हमको लगता है 2007-08 में पापा मिनिस्टर थे, 8-10 के बीच। हम लोग कभी भी ऐसा कभी कुछ नहीं रहा। उसके बाद पापा हमारे भवन निर्माण मंत्री भी बने, पीएचडी मंत्री भी बने, तो हम लोग के ऊपर तो कहीं कोई मामला नहीं आया। आप तरह तरह का मीडिया में बात चल रहा है, हम लोग मीडिया के थ्रू ही जान रहे हैं। अभी तो मीडिया में ये भी खबर आ रही है कि सीबीआई पूछताछ की। हाँ ये मैं इसी सवाल पर आ रहा था कि अभी जो खबरें आ रही है कि आपके पिताजी से और आपसे दोनों से मतलब सीबीआई ने पूछताछ की है, क्या सच्चाई क्या है? 100% गलत बात है ये। कहीं कोई सीबीआई का मामला नहीं है, कहीं कोई सीबीआई नहीं आई है। हम लोग घर पे ही है। घर पे मतलब गाँव पे है आप? हाँ गांव पे गिद्धौर आवास में हम लोग हैं। कहीं कोई सीबीआई आई ही नहीं। लेकिन पटना के तो आज अखबारों में ये फ्रंट पेज का न्यूज है कि आपके पिताजी से सीबीआई ने पूछताछ किया है। ये तो अखबार वाले ही बताएंगे सर, मतलब उन्होंने लिखा तो वही ना बताएंगे। अभी तक अखबार वाले अभी तो मेरा जमशेदपुर का होटल का फोटो मुजफ्फरपुर के होटल का बना दिया जाता है, तो उसी तरह सीबीआई कहा यही नहीं गई, ये तो सीबीआई। और हम लोग क्या बताया, ये एकदम झूठा खबर है, सब जगह झूठ। मतलब कौन चला रहा है नहीं चला रहा है, इसके पीछे कौन है ये तो नहीं पता हमें, लेकिन ये एकदम झूठा खबर है। ब्रजेश ठाकुर और ये सब कहीं कोई मामला है ही नहीं। ब्रजेश ठाकुर को हम उस समय जाने जब वो मुजफ्फरपुर कांड हुआ उसका अखबार में फोटो देखे। यानी कि सीबीआई या फिर किसी एजेंसी ने अभी तक आप पर या फिर आपके पिताजी के साथ किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन की अप्रोच नहीं किया है, कोई पूछताछ अभी तक नहीं हुई है? सर हमारे यहाँ एक होमगार्ड का जवान भी नहीं आया। अच्छा आपके यहाँ एक होमगार्ड का जवान भी नहीं आया। ठीक है राजीव जी, आखिरी सवाल है, आपको जेडीयू ने मतलब निकाल दिया है, ये तो खबर सही है ना? हाँ ये तो जेडीयू ने किन कारणों से आपको पार्टी से बाहर निकाला है? मुझे लगता है ये जो अखबार में न्यूज में चल रहा है वही सब देख के माननीय अध्यक्ष जी ने कार्रवाई की है, और हम लिखित तो हमको कुछ नहीं मिला है। हम तो सोशल मीडिया के ही माध्यम से या आपके न्यूज और भी तरह तरह के न्यूज चैनल के माध्यम से ही ये सब आ रहा है, लेकिन वो अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, वो अपने संगठन में जिसको रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं वो संगठन चलाते हैं, हम लोग तो
पार्टी के कार्यकर्ता थे, महासचिव रहे ना रहे पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी हैं। हम अपने पार्टी के प्रति हर समय निष्ठावान हैं। तो राजीव जी, ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी ने आपको निकाल दिया है तो कहीं ना कहीं प्राइमा फेसी जो है आपको वो जिम्मेवार मान रहे हैं, या फिर वशिष्ठ नारायण सिंह ही आपको या आपकी पार्टी ही जिम्मेवार मान रही है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मान रही है? ऐसा नहीं है सर, वो अखबार और चैनल में इतना खबर झूठा अफवाह फैला दिया, इस वजह से हो सकता है कुछ भी। इसमें पार्टी का ये मामला है, अध्यक्ष जी किसको रखना चाहते हैं संगठन में, नहीं रखना चाहते, ये तो उनका मामला है, इसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते। ठीक है राजीव सर, लाइव सिटी से बात करेंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।